कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय लद्दाख दौरे पर है। राहुल ने रविवार को लद्दाख से चीन को लेकर बड़ा दावा करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, चीन की सेना भारत में घुसी है। क्या कुछ कहा सुनिए। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूँ, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए। और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। यूथ से लगातार आप मिल रहे हैं, हमने देखा फुटबॉल मैच में भी आप यूथ से मिल रहे थे, पूरा जो 17 अगस्त से आपका पूरा ये हो रहा है, यूथ से मिल रहे हैं, यूथ का रिस्पॉन्स क्या है, क्या बातचीत हुई है? नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है, इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और बेरोजगारी की समस्या है, सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बढ़ रही है। 2019 से में यहाँ पर नियुक्त किया गया था, तब से लेके अब तक चुनाव नहीं हुए, क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं? हाँ, ये तो है, लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने रविवार को अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर लद्दाख में पैंगोंग सो के तट पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, पापा आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं, आपके निशान मेरा रास्ता है, हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं, भारत माँ की आवाज सुन रहा हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।